15 लाख भी आए थे जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो जब 15 लाख आ गए थे, जब हमारे ऊपर मुंहता जा रहा, हमको नंगा घुमाए घर जा रहा है, तो भेदभाव तो बराबर हो रहा है कि हमको पूजा भी नहीं करने देती है। तो महिलाओं के संगे ऐसा अत्याचार आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा बलसरूटी हो रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा देश चला रहा है कि सड़कों पे नंगी घुमाई जा रही है, ऐसा देश हमको नहीं चलवाना। मान और सम्मान, जो भारत माता की तुम कहते हो सब लोग, तुम भारत माता को नंगी नहीं करो। हटाएंगे, नया चेहरा ले आएंगे। कौन होगा नया चेहरा? हमारा खुद है गोंडवान गणतंत्र पार्टी का। यहाँ देश को वो ही संभाल सकती है, कोई नहीं संभाल सकती। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। जैसे कि आपको पता ही होगा, चुनाव नज़दीक हैं, एमपी में भी चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या लेके आए हैं ये लोग। क्या कहेंगे आप, क्या समस्या है आप? अब समस्या तो हमारा की बहुत है, अब बहन जी अब हो जाए तो मोरा के चरपास हम तो हाउ हमारा को गाँव सुधार जावे न परेशानी है। बीड़ी बना बना के ये गाँव चलेगा, वो गाँव का चलेगा, समझ भी करके लिया सपने बना रहा है खा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है वो काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा का काम कर रही है। कुछ नहीं कर रही, हमारा कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारा। क्या कहेंगे, क्या सुविधा नहीं मिली है आपको? कुछ नहीं मिली है, 600 भी नहीं मिल रहा है, भी बंद कर दा, 600 मिल रहा था भी बंद कर दा, क्या सुविधा है हमारा बता। पर वो कह रही है कि उन्होंने सड़कें बनवाई हैं। नन्या हमारे गांव में नन्या सड़कें, सड़कें नहीं है, नन्या है सड़कें, नन्या है, ऐसा ही है कच्चो। रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? नन्या है, रोजगार भी नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है, सड़कें नहीं है। क्या कहेंगे आप? आपको जी बताइए, आप ऐसे आए हैं कि हमें परेशानी है हर एक अच्छू की, न हमें नरेंद्र मोदी ने पैसे डाले, न हमको मिलते है, बच्चा पढ़ भी जाते हैं, जो का अपने पानी गिरा थे सो जमीन में गड़ जाती हैं, और का पानी गिरे से लौट जाती हैं। पर वही सरकार कह रही है उनके खातों में पैसे डाल रही है, आपके खाते में नहीं आए? आपको मिल रहा, हमारे खाते में नहीं आ रहा। नहीं आए आपके खाते में? नहीं, नहीं आए। सिलेंडर वगैरह दिए जा रहे हैं? सबके में आ रहा, हमारे में नहीं आ रहा। आपके में नहीं आ रहे? कहाँ से आई हैं आप? हम यहाँ खजरा बनेका से। कहाँ से? खजरा बनेका जी। तो ये देख रहे हैं कि वो ये कह रही हैं कि सबके खाते में पैसे आ रहे हैं, हमारे खाते में नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ इनसे बात करते हैं, क्या समस्याएं लेके आए हैं आप यहाँ? क्या समस्याएं लेके आए हैं आप यहाँ? अब यही समस्या जो बोली गई है पिछली जो चल रही साहब, 8 साल से हम लोग यहाँ आ रहा है, 8 साल से जो आज की हमारी जो तारीख दई थी आने इसकी, इसे फिर असला में हम लोगों को का दिया जा रहा है, का है इसका, और जो हम लोगों की संविधान जो हमारा है वो संविधान हम लोग मारे जा रहे हैं। लोग किस वजह से मारे जा रहे हैं? अरे अत्याचार कर रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है आप लोगों पे? सड़कें बनी है वहाँ पे जी। तो वही क्या आप मणिपुर पे क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं, आप लाड़ी बहनाएं भी यहाँ चल रही मध्य प्रदेश में, सम्मान प्रधानमंत्री की भी योजना चल रही, जब योजना तुम महिलाओं पे बनाई है तो महिलाओं के संगे ऐसा अत्याचार आज तक नहीं हुआ है 70 साल। महिलाओं के लिए लाडली योजना लाए हैं? ऐसी लाडली योजना नहीं कि नंगी नचा रोड पे घुमाई जाए, ऐसी लाडली योजना हमको नहीं चाहिए। सुरक्षा दे रहे हैं महिलाओं के लिए, आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा आरक्षण नहीं हमको नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं हम खुद मांग कर रहे हैं, जब ऐसा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा बलसरूटी हो रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि बक नहीं फकता है, उनको शर्म भाव चाहिए कि हमारे देश पता में होगा कि यहाँ से जब बाहर जाते हैं कि मैं बौद्ध के देश से आया हूँ, कहते हैं जब बौद्ध के देश से आए हो तो यहाँ तुम्हारी उतने छवि अच्छी हो रही हो या कि गलत हो रही हुई है, कि जो कि तुम्हारे भारत में नंगा घुमाया जा रहा है सड़कों पे। अब तो स्थिति ठीक हो गई है ना? अरे क्यों, अबे क्यों ठीक हो गए? एक और नियमावर का
देख ली नेमावर में 5 लड़कियाँ गड़ाई गई थी, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम उसमें भी आंदोलन में गए थे, और जैसे कि जो आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर तो ऐसे पेशाब करने का भी वो सामना भी करी। तो अब जल अकेले जल छिड़के से और जल से कर देते हैं, तो ऐसी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को भी जल से नहा करके मंदिर में पहुंचा देते, बेबी पूजा कर लेते। अरे उनको तो राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो राष्ट्रपति बना दिया तो उनको घुसने क्यों नहीं दिया फिर? बेबी तो यहाँ के मूल नागरिक है ना, देश के मालिक भी हैं, बनाया है सबने मिलजुल के देशवासियों ने, तो उनको अधिकार होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसा गलत सलूटी नहीं हमें को चाहिए, ऐसी हमें सरकार नहीं चाहिए। इतनी योजनाएं चलाई हैं, आयुष्मान योजना कोई देख लीजिए, प्रति वर्ष आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। केवल घोषणा ही घोषणा है, आप तक नहीं पहुंचेगी ना। हम मत भोपाल भी गए थे मोदी जी, वहाँ भी पैसा लागू किया था, आज तक उसका कुछ नहीं है, नामा निशान नहीं है, और जनता जानती नहीं, कुछ जानते नहीं है कि पैसा का नियम क्या होता है। 5-5 लाख रुपए आने थे बैंक में, अरे 15 लाख भी आए थे जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो जब 15 लाख आ गए थे देश, जब ही सुधर जाता अबे तो देश, जब 15 लाख आ जाती तो आपको नहीं लग रहा देश में सुधार आया है, देश आगे बढ़ा है? क्योंकि ये गलती 2-3 अनुसूचित पे राज चलाएंगे तो कभी सुधर नहीं सकता है। तो एमपी में अभी चुनाव होने वाले हैं, फिर क्या करेंगे आप? कौन सी सरकार आएंगे? हटाएंगे, नया चेहरा ले आएंगे। कौन होगा नया चेहरा? हमारा खुद है गुणवान गणतंत्र पार्टी का, आपकी पार्टी का। हाँ, क्योंकि यहाँ देश को वो ही संभाल सकती है, ये कोई नहीं संभाल सकती, लेकिन कोई राजनीति का अटकरा ही नहीं है। कौन से अनुच्छेद से का करना है जो कुछ नहीं बताते हैं, न किसी को आज तक संविधान क्यों नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया ये बेवकूल रहेंगे तो ये हक अधिकार नहीं, अपनी अधिकार की बात नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं भाजपा को देश चलाना नहीं आ रहा है? हाँ, क्यों नहीं आया? वो इतना 9 साल से चला रहे हैं, ऐसा देश चला रहा है कि सड़कों पे नंगी घुमाई जा रही है, ऐसा देश हमको नहीं चलवाना है। हम मान और सम्मान जो भारत माता की तुम कहते हो सब लोग, तुम भारत माता को नंगी नहीं करो, उसी का तुम भारत माता का जो झंडा है उसी को लपेट के रखते हैं, जब शहीद होते हैं आदमी उसी को लेकर लगते हैं तो उसका अपमान करते हैं, क्योंकि ऐसा हमें सम्मान नहीं चाहिए, ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए। तो आपके यहाँ पे सड़कें भी अच्छी नहीं है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, केवल घोषणा होती है। हमारे मामा जी ने तो घोषणा से चमन बरसा दिया घोषणों से, कहते हैं बहुत प्यार से कहते हैं मेरे माम भांजी भांजो ऐसे पुकारते हैं। रोहिणी कमीशन लाए हैं, उसका नहीं पता आपको? क्यों, अब वो तो अबे वही उन लोगों को पता है जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जानकारी है, जो में सचिव सरपंच होते हैं वे अपने कागजों में कोरे काम कर लेते हैं, हम लोगों को कोई पता नहीं है, क्योंकि जब ग्राम सभा ही नहीं लगेगी तो कोई को कुछ नहीं पता लगेगा कि क्या योजनाएं आई है क्या नहीं आई है, क्या प्रधानमंत्री की योजना है क्या मुख्यमंत्री की योजना है, ये कोई मतलब नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, इतना सब कुछ उनका वो हो रहा है कि वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, केवल विधायक खरीद सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपको लग रहा है आपके साथ भेदभाव हो रहा है? हाँ हो रहा है बराबर, जब हमारे ऊपर मूता जा रहा है, हमको नंगा घुमाया जा रहा है, तो भेदभाव तो बराबर हो रहा है कि हमको पूजा भी नहीं करने देते हैं, राष्ट्रपति को करन दिया, ने रामनाथ गोविंद को करन दिया, भेदभाव तो बराबर है न, सबका सम्मान संविधान बोलता है सबको एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो संविधान के हिसाब से तो चल रहे हैं, एक बराबर सम्मान नहीं दे रहे? नहीं वो ही तो दे नहीं रहे हैं, वो ही तो दे नहीं रहे, वो ही दे में तो कोई को कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा ये लोग मध्य प्रदेश से लोग आए हैं और वहीं चुनाव भी नज़दीक हैं, तो कह रहे हैं वहाँ पे जो भाजपा की जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, इनके लिए सड़कें नहीं बनी हैं, रोज़गार नहीं है, और जितनी भी योजनाएँ चलाई गई हैं वो कह रहे हैं सिर्फ हवाई बातें हैं, हमारे तक कुछ नहीं पहुँचा है। तो इस जो पूरी बातचीत है आप कितना सहमत है इसे हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहाँ, जनहित आवाज़।